जय हिंद जय कबड्डी दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रूहल और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कबड्डी 107 पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो सभी कबड्डी खिलाड़ियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई भी दर्शक साथी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल भी स्किप ना करे वीडियो को और आगे तक इस वीडियो को देखे ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 68वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जो पहले महाराष्ट्र के अंदर होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना के कारण। तो अब वो दोबारा होने जा रही है, उसकी जो डेट है वो कन्फर्म हो चुकी है, जो उसका स्थान है वो कन्फर्म हो चुका है। सीनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप जो AKFI फेडरेशन की होती है, जो जिसका सर्टिफिकेट हर डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, हर जॉब में चलता है, उसको बोलते हैं AKFI। जो नए खिलाड़ी हैं उनको नहीं पता, पुराने खिलाड़ियों को, जो सीनियर खिलाड़ी उनको सबको पता है। तो 68वीं सीनियर नेशनल जो चैंपियनशिप होने जा रही है वो कहाँ पर होगी वो आप लोग नोट कर लें। स्थान क्या है? स्थान है चरखी दादरी हरियाणा। चरखी दादरी हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, वहाँ पर होगी नेशनल लेवल की चैंपियनशिप कबड्डी की हरियाणा के अंदर चरखी दादरी। अब हम तारीख की बात करते हैं कि किस तारीख को ये चैंपियनशिप होगी। वो रहेगी 10 से 13 मार्च 2022 के अंदर ये टूर्नामेंट होगी, नेशनल लेवल की प्रतियोगिता है। और एज की बात करें तो सीनियर नेशनल है तो सिंपल सी बात है कि ओपन एज होगी, यानी कि आप कितनी ही उम्र आपकी हो सकती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई इसमें एज का चक्कर नहीं है। वेट इसमें होना चाहिए 75 kg आप में वजन होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपके अंदर नहीं हो सकता, कम हो सकता है, तो आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी स्टेट की तरफ से। तो आपके स्टेट कोई भी, आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो आप, आपकी जो स्टेट की टीम है उसका पार्टिसिपेट, उसमें पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप नेशनल पर पहुंचोगे, ठीक है। तो ये जो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो टूर्नामेंट है ये सिर्फ लड़कियों की है, महिला वर्ग की है। पुरुष वर्ग के लिए अभी जो डेट कन्फर्म नहीं हुई है वो भी होगी हरियाणा के अंदर ही। हरियाणा में कहाँ होगी और कब होगी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई, जैसे भी कोई अपडेट आते हैं उसके बारे में हम वो अपडेट आपको जरूर देंगे। तो जितने भी दर्शक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है भाई आप सभी की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि कबड्डी की अपडेट हमारे चैनल से पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन भी दबाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और कोई आपका क्वेश्चन रहता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें ताकि खिलाड़ियों को पता लग जाए इस चीज़ के बारे में और वो अपनी जो तैयारी है वो कर सके। जय हिंद, जय कबड्डी, जय भारत।